उत्तर प्रदेश में बसपा के सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की करीब 125 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है, और जो संपत्ति कुर्क की गई है उसके पीछे इस फैक्ट्री की भूमिका बहुत अहम है। यह अल्फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है जहाँ पर अवैध रूप से मीट का कारोबार चल रहा था, और उसके मद्देनज़र इसमें जो इस साल मार्च का महीना था उसमें पाया गया देर रात कि इसमें कर्मचारी मीट की पैकिंग में लगे हुए हैं, उसमें फफूंद भी लगा हुआ था, लेकिन वो अवैध रूप से चल रहा था। अवैध रूप से इसलिए क्योंकि यहाँ पर उससे पहले इस फैक्ट्री को सील किया गया था, ये मेरठ रोड पे है, और इस फैक्ट्री को सील करने के बाद जो है मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस फैक्ट्री को सील किया था, और सील के बीच में इसमें मीट के पैकिंग का कारोबार चल रहा था, जो मीट पैक उसको भरा जा रहा था, उसको पैकिंग की जा रही थी, उसका कारोबार चल रहा था, और उस वक्त करीब 5 करोड़ का मीट पकड़ा गया था जिसमें पुलिस के अलावा और विभाग के लोग भी शामिल थे। और इसमें पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी, बेटे फिरोज और इमरान समेत 17 आरोपी बनाए थे। इस दौरान अवैध तरीके से मीट पैक करते 10 कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था, मीट में फंगस लगे पाए गए थे, और उसके बाद घर पर कुर्की जो है वो चस्पा किया गया था, कुर्की का वारंट जो है वो चस्पा किया गया था। अदालत ने ये कहा था कि वो वहाँ पर अपना जवाब दाखिल करें, लेकिन वह उनकी तरफ से, याकूब कुरैशी की तरफ से कोई नहीं आया। और उसके बाद आपको ये भी बताएं कि घर और ये जो फैक्ट्री है इसको लेकर जो आकलन है पुलिस का वो करीब 125 करोड़ के आसपास का आकलन है, जिसमें घर ये जो फैक्ट्री है वो खरकोदा में है और सराय बहलील में कोठी है जिसका करीब जो मूल्य लगाया गया वो 20 से 25 करोड़ रुपये का लगाया गया। अब CRPC की धारा 83 के तहत जो है कुर्की की गई है, और बार बार ये कोर्ट के आदेश के बाद भी हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे कोर्ट में पेश नहीं हुए, उसके बाद कुर्क का नोटिस जो है वो चस्पा किया गया। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ये मार्च का वाकया है जब यहाँ पर जो मीट है अवैध रूप से जो मीट की पैकेजिंग चल रही थी वो पकड़ा गया था। लेकिन कहानी पुरानी है, कहानी पुरानी समझने के लिए जो मेरे सहयोगी अश्विनी मेहरा उनको कहेंगे कि इस तरफ आके आप दिखाइए, यहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा है इस गेट पर जो फैक्ट्री की गेट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फैक्ट्री जो है वो उनके बेटे के नाम पे है, जिसको आप मोहम्मद इमरान के नाम पे है, और इसमें तारीख कुछ तारीखों का जिक्र है। जिस मार्च की बात मैं कर रहा था 31 मार्च को, उस दिन 5 करोड़ का मीट यहाँ पर पकड़ा गया था और साथ में मीट में फफूंद लगा हुआ था, लेकिन तब वो चीज़ें चल रही थी जब वह फैक्ट्री सील था। लेकिन फैक्ट्री सील क्यों हुआ? 2019 में दरअसल जो मेरठ विकास प्राधिकरण है उसने पाया कि इसका नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास नहीं कर की सूरत में इसको सील किया गया। उस तारीख का भी जिक्र है 29/5/2019, जिसका उल्लंघन करते हुए मार्च में पैकेजिंग चल रहा था, मीट की पैकेजिंग चल रही थी, और उस वक्त ये सारा वाक्य सामने निकल कर आया। अब घर जो हाजी याकूब कुरैशी का घर है मेरठ में, और ये जो फैक्ट्री है खड़कोदा में, उसको फिलहाल जो है वो कुर्क कर लिया है, यानी सरकार ने संपत्ति अटैच कर ली अपने से, और इसकी कीमत करीब 125 करोड़ के आसपास बताई जाती है। एक वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चेहरे के तौर पे अपने बयानों के दम पे और पार्टी में रहते हुए मंत्री पद के तौर पे उनके याकूब कुरैशी का एक वक्त में बहुत ज़्यादा बोलबाला भी रहा है, और अब स्थिति ये है कि फरार हैं, बेटे हों या याकूब कुरैशी हों, वो फरार हैं और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस कोर्ट ने बार बार कहा कि वो अदालत में पेश हों, लेकिन पेश नहीं हुए, तो जिसके बाद ये कुर्की की कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया गया है। मेरठ से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।